इन्फेक्शन लग भी जाता है। तो बहुत अब रही बात दोस्तों इसके प्रिवेंशन की, तो देखिए कैटरेक्ट के जो कॉजेज है और रिस्क फैक्टर है अगर उस पर गौर करें तो यकीनन हम लोग बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। जैसे कि रिस्क फैक्टर के अंदर आपने आपको बताया कि डायबिटीज इसका बहुत ही अहम कॉज बन सकता है, तो हम डायबिटीज को अगर कंट्रोल करेंगे, साथ ही हम लोग अगर अपने वेट पर अगर कंट्रोल रखेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल को अगर हम चेंज करेंगे, अपने खान पान में हम जो है ऐसे डाइट को हम अच्छा डाइट अगर हम लेते हैं, साथ ही हम लोग अपने आंखों के लिए हमेशा हेल्प यानी कि केयरिंग अगर करते आंखों की, सनग्लास के बारे में कहा जाता है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट जो है आंखों को बहुत प्रॉब्लम देते हैं, इसलिए डायरेक्ट सनलाइट से बचने के लिए हम लोग सनग्लास का यूज कर सकते हैं। सनग्लास यूज करने से कैटरेक्ट के बहुत ही कम चांस होते हैं, यानी कैटरेक्ट से हम बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आंखों के जो डॉक्टर होते हैं ऑप्टोमोलॉजिस्ट उनसे रबते में रह सकते हैं, अपने आंखों की हमेशा उनसे हमारे आंखों की उनसे जो है जांच करवाते रह सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को लापरवाही न बरते, हर प्रॉब्लम के बारे में हम जो है केयरफुल रहें, तब जाके हमारे हम इन तमाम चीजों से बच सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को कैटरेक्ट या मोतियाबिंद के बारे में ये कुछ जानकारी दिया ताकि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ मालूम कैटरेक्ट के बारे में मोतियाबिंद के बारे में हो जाए, और उसमें जो जो प्रोसीजर होते हैं उसके बारे में दिया और अवेयरनेस के बारे में मैंने आपको प्रिवेंशन बताया। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, इसलिए क्लिप को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ से जुड़े कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू।